ये नहीं उठेगा, ये पूरा नाभि को सेंटर करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। और सर मतलब ये पूरी तरह पाचन क्रिया के लिए एकदम, जैसे एसिडिटी से लोग परेशान है, गैस से परेशान है, परेशान दवा खा खा के परेशान है, अरे भाई आप बिना दवा के ठीक होइए ना। और क्या कि जैसे हमारे पास लकवा पेशेंट, लकवा का पता ही नहीं चलता, मैं कुछ भी दवा नहीं देता हूँ और देखते देखते वो व्यक्ति ठीक होता है। चूंकि लकवा में वेन का ब्लॉकेज हो जाता है, वेन का जब ब्लॉकेज होता है तो मैंने पंपिंग करके उसको वॉश करता हूँ और वो विकार, ये आँख, ये आपका फेफड़ा, लंग्स, ये थायराइड पे थायराइड ग्रंथि, ये आपका हार्ट, ये छोटा अंगुली के जस्ट नीचे ये हार्ट, इसके नीचे यहाँ पर ये हो गया नाभि, नाभि नाभि, ठीक है। इधर आप दबाइए, इनको पेन महसूस होगा, पेन महसूस होगा, ये नाभि, इसके नीचे आइए, ये आपका किडनी पॉइंट, किडनी पॉइंट, देखिए सर का किडनी बिल्कुल ठीक है, किडनी ठीक है। अगर ये किडनी ठीक नहीं होता तो आप इनको पेन, तो इनको इतना पेन होता कि ये उछल जाते, मतलब आप यहाँ प्रेशर यहाँ देंगे, अगर इनको अगर पेन किया तो तकलीफ, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, अगर इनको पेन नहीं किया मतलब स्वस्थ स्वस्थ है। तो सर ये बिना पैसा के जांच भी हो जाती है, बिना पैसा हम लोग जो जांच करने के लिए जाते हैं। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बिना मेजरमेंट का मैं शुगर का रीडिंग बता दूंगा, बिना मेजरमेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज के, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और खास होने वाला है, और हम लोग इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज का वीडियो जो है एक मेडिकल कैटेगरी से रिलेट करने वाला वीडियो है, तो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर सिंहभूम और झारखंड के सारे क्षेत्रों में। तो आज हम फिलहाल चैमासा में ही है, पश्चिमी सिंहभूम चैमासा में है, और बड़ी बाजार कुल्हातू आए हुए हैं, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये एक एक्यूप्रेशर थेरेपी, तो शायद आप लोगों ने पहले भी इस बारे में सुना होगा, एक्यूप्रेशर थेरेपी क्या होता है, और इनका आनंद एक्यूप्रेशर सा चुंबकीय प्रकृति चिकित्सक केंद्र। तो चैमासा में, पूरे सिंहभूम एरिया में ज़्यादातर लोगों को अभी तक इस चिकित्सा के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो आज हम लोग उस चिकित्सा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। कर जैसे लकवा हो गया, या तो बॉडी पेन करना, या तो शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, किस प्रकार ये एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है लाभदायक और बहुत ही कारगर साबित हो रही है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम उस थेरेपी सेंटर में हम आ चुके हैं और आपको मिलाते हैं सुरेश प्रसाद पासवान जी से, जो कि इस थेरेपी को यहाँ चलाते हैं। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है वो है क्या चीज? हम सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूँ कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो है हजारों वर्ष, 5000 वर्ष पुराना पद्धति है, सुश्रुत ऋषि के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। हमारे बॉडी में 72,72,10,210 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, उस जाल में जब हम कुछ खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, उसका कुछ विकार जमा होता है, जो नस में विकार के रूप में जमा होता है और वही बीमारी का रूप ले लेता है। एक्यूप्रेशर में है, एक्यू माने सही स्थान, प्रेशर माने दबाव देना, तो ये दोनों हाथ के पंजा और पैर के पंजा में, हाथ के पंजा और पैर के पंजा में ग्राफ जो दिख रहा है हमें शरीर का, तो सर वहाँ थोड़ा जाके हम लोग को थोड़ा सा हमको थोड़ा समझा दीजिए। ये दोनों पैर का पंजा, ये दोनों हाथ का पंजा, ठीक, ये दोनों पैर के पंजा में इतने पॉइंट है, जैसे ये आपका मस्तिष्क हो गया, ये आपका लंग्स फेफड़ा हो गया, ये आपका लिवर हो गया, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर आँख है, ये दोनों हाथ में, जो पैर में है वही हाथ में है, और सभी मनुष्य के बॉडी में पाया जाता है। और सिर्फ इसमें दबाव देकर हम बिना किसी का सहायता, बिना चिकित्सक का सहायता लिए, हम सेल्फ अपने से भी दबाव देकर ये काम कर सकते हैं। और ये मैंने 96 से कर रहा हूँ, और 96 से करते हुए मैंने पाया कि जैसे हमारे पास लकवा पेशेंट, लकवा का पता ही नहीं चलता, मैं कुछ भी दवा नहीं देता हूँ और देखते देखते वो व्यक्ति ठीक होता है। चूँकि लकवा में वेन का ब्लॉकेज हो जाता है, वेन का जब ब्लॉकेज होता है तो मैंने पंपिंग करके उसको वॉश करता हूँ और वो विकार, चूँकि लकवा में वेन का ब्लॉकेज हो जाता है, वेन का जब ब्लॉकेज होता है तो मैंने पंपिंग करके उसको वॉश करता हूँ और वो विकार जो है वो कचड़े के रूप में मल और मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है, आदमी फ्रेश हो जाता है। और अगर मेरा अनुभव पूछा जाए तो मेरा सबसे अच्छा अनुभव है स्पाइन, इस रीढ़, ये रीढ़, ये जो रीढ़ है
इसका जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, इसका सबसे अच्छा अनुभव है। जैसे आज बहुत सारे लोगों का स्लिप डिस हो जाता है, लोग चलने फिरने नहीं सकता है, वो हमारे यहाँ आता है, उसको बिना दवा का ठीक करता हूँ। जैसे किसी का घुटना दर्द है, कमर दर्द है, या और भी किसी भी तरह का रोग है, जो असाध्य रोग है, एक्यूप्रेशर द्वारा वो निश्चित रूप से ठीक होता है। मैं एक बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ जी, आज हमारे झारखंड में डायन प्रथा बहुत जोर से चलती है। डायन प्रथा बहुत जोर से, और डायन प्रथा का मुख्य कारण है व्यक्ति बीमार पड़ता है। अब बीमार जब पड़ता है तो उनका जो नाभि है, नाभि, ये नाभि केंद्र बिंदु से हटता है, और जब वो केंद्र बिंदु से हटता है तो हम दुनिया का कोई भी दवा खा ले, हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य नहीं हो सकते। और जब हम स्वास्थ्य नहीं होते हैं तो हमारे मन में आता है कि मैं तो इतना दवा खा रहा हूँ, निश्चित है कि हमको कोई नज़र गुजर लग गया है, भूत प्रेत लग गया है, और उसके चपेट में मैं आ जाता हूँ। लेकिन मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा को अपने आप में अपनाइए या जानिए, और अगर ये नाभि चक्र ठीक हो जाता है, अपने से आप ठीक करने का तरीका जान जाते हैं, तो निश्चित है कि हर दवा फायदा करेगा और भूत प्रेत और डायन प्रथा जो है वो रोका जा सकता है। मैं प्रशासन सरकार से भी निवेदन करूँगा कि ये एक्यूप्रेशर का प्रचार प्रसार घर घर में हो, गांव गांव में हो, और डायन प्रथा को भी इससे रोका जा सकता है, और बिना खर्च का, बिना खर्च का लोग सेल्फ अपने से स्वस्थ रह सकते हैं। ये हो गया एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो आप ये देखिए, मेरा और पूछने का और जानने का इच्छा था कि ये आप जो बोलते हैं ना कि शरीर का हर एक हिस्सा हाथों हाथ में और तलवे पे इस पे होता है जी, तो आप लोग यहीं पे पिन पॉइंट को पिन करते हैं। सर, मैं भी बता रहा हूँ जी, बताइए। इसको देखिए, ये सबसे पहले ये ब्रेन पॉइंट है। अच्छा, ये मस्तिष्क ये जो पॉइंट है सर, ये गर्दन, गर्दन ठीक है, ये आँख, ये आपका फेफड़ा, लंग्स, ये थायराइड पे थायराइड ग्रंथि है, ये आपका हार्ट, ये छोटा अंगूठी के जस्ट नीचे ये हार्ट, इसके नीचे यहाँ पर ये हो गया नाभि, नाभि ठीक है, इधर आप दबाइए इनको, पेन महसूस होगा, ये नाभि, इसके नीचे आइए, ये आपका किडनी पॉइंट, किडनी पॉइंट देखिए सर का किडनी बिल्कुल ठीक है, किडनी ठीक है। अगर ये किडनी ठीक नहीं होता तो आप इनको, तो इनको इतना पेन होता कि ये उछल जाते, मतलब आप यहाँ प्रेशर यहाँ देंगे, अगर इनको अगर पेन किया तो तकलीफ, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, अगर इनको पेन नहीं किया मतलब स्वस्थ है। तो सर, ये बिना पैसा के जांच भी हो जाती है? हाँ, बिना पैसा हम लोग जो जांच करने के लिए जाते हैं। हाँ। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बिना मेजरमेंट का मैं शुगर का रेटिंग बता दूंगा, बिना मेजरमेंट, चूंकि शुगर का जो पॉइंट होता है वो पेंक्रियाज, मैं पेंक्रियाज को टच करूंगा, अगर उसमें पेन है तो उसका शुगर बढ़ा हुआ है, एडिनल को टच करूंगा, उसमें अगर दर्द है तो उसका शुगर बढ़ा हुआ है, जब मैं एडिनल और पेंक्रियाज को टच करूंगा और उसमें अगर दर्द नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें शुगर है अथवा नहीं। तो ये हुआ किडनी, ये छोटी आंख बड़ी आंख, छोटी आंख बड़ी आंख, ये जो है सर, ये स्पाइन, स्पाइन का स्विच बोर्ड है, जो पैर में सर वही हाथ में सेम करेंगे, ये स्पाइन सर, आपको कमर में दर्द भी नहीं है ना, कम है, अगर ये कम है इसलिए, अन्यथा यहाँ जो हम टच किया था ना सर, उछल जाते, उछल जाते ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ दबाते हैं तो इसको मतलब कैसे, वो कैसे ठीक होता है, काम क्या करता है, मतलब कोई ब्लॉकेज को वो क्लियर करता है, मतलब वो हमको समझाइए। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, सपोज किसी का हार्ट में प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है ठीक है, हम यहाँ जब टच करेंगे तो उनको पेन होगा, ये एक्शन होगा ठीक, अगर वो एक्शन है तो हम समझ जाते हैं कि उसको हार्ट का ब्लॉकेज है, हार्ट का ब्लॉक, हम जब यहाँ पंपिंग बार बार पंपिंग करेंगे इसलिए लोगों को मिनिमम हम 15 दिन बुलाते हैं, और ये 15 दिन के अंदर फिर हम वही दबा रहेगा, उनका दर्द जो है, जो एक्शन होता था दर्द का, वो खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे खत्म होगा हम समझते हैं कि जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होगा, मतलब खाली इसको डेली यहाँ का दर्द हटा मतलब वो ठीक हुआ, अच्छा वहाँ का दर्द था वो ठीक, इसी तरह आदमी सेल्फ चाहे तो अपने से भी दबा सकते हैं। मतलब वहाँ प्रेशर डालेगा जो ब्लॉकेज है उसको पंपिंग करेगा, पंप करेगा, अच्छा हाँ, वो ब्लड मतलब ठीक हो करके जमा हो गया, वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मतलब जो वहाँ पर जो नस में जो ब्लड क्लॉटिंग टाइप का कुछ जमा रहेगा उसी को पंप मार मार के वो क्लियर हो जाता है नस में, क्लियर हो गया, ब्लॉकेज क्लियर हो गया, कोई दवाई नहीं सर,
कोई दवा नहीं, खाली हाथ का खेला। सर आज तो मैं कुछ लिख के रखा हूँ, कुछ तो हट गया है, 27 वर्ष हो गया सर काम किया हुआ। करीब हजारों व्यक्ति का मैं काम किया हूँ, आज पश्चिमी सिंहभूम का लगभग प्रत्येक गांव के लोगों को मैं इलाज किया। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो कभी इस नेचुरल तरीके से अपने खुद का या तो फिर अपने रिलेटिव का इलाज करके देखिए। हम तो यही सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं 27 साल से सेवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ शिक्षक से, उसके अलावा मैं अब रिटायर अभी भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अब एक प्रेशर के सेवा द्वारा सभी लोगों का सेवा दे ही रहा हूँ। अब मेरी इच्छा है सर अपनी कि मैं ज्ञान को बांटना चाहता हूँ, मैं ज्ञान को बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मैं 10 दिवसीय एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि घर बैठे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो अपने माता पिता का सेवा देना चाहते हैं, है ना, वो आके हमारे कुलातो में हमारा सेवा सेंटर में आके वो 10 दिवसीय ट्रेनिंग ले और अपने माता पिता और अपने घर का डॉक्टर बने। धन्यवाद। लखवा जिसको बोलते हैं, ये लगभग अग्रेसिव व्यक्ति हैं, ये लगभग 2 साल से परेशान है, 2 साल से इनका जो भी चिकित्सा है सारी चिकित्सा वो चल ही रहा है। अभी हमारे यहाँ आया हुआ इनका करीब महीना भर होने जा रहा है, और जब महीना भर हुआ है ये काफी ठीक है, आज के डेट में काफी ठीक है। इनका लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम है, ये लूज है, ये लूज है, ठीक है, ये अपने से पैर को नहीं उठा सकते हैं। मैं इनका पूरा प्रयास, अभी कितना दिन हो गया ट्रीटमेंट? 15 करीब, 1.5 महीने। तो अभी इम्प्रूवमेंट कुछ उनकी बेटी है जी, अभी पेशेंट के जानकार लोग हैं, तो अभी कैसे इम्प्रूवमेंट इनका रहा है? अभी जैसे पेशेंट लेके आए आप इनको यहाँ, तो अभी कैसा है इनका? पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये मतलब ये कारगर साबित हो रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। और ये सर बेड है, हमको इसके बारे में जानना है, ये इस बेड के बारे में बताइए, ये कैसे काम करती है? ये एक्यूप्रेशर का ही दूसरा रूप है बेड, ये पूरे स्पाइन को कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा। और जब ये स्पाइन को कंट्रोल करता है तो हमारा जो भी रोग होता है वो स्पाइन से संबंधित होता है, जो स्पाइन में होता है। और जब स्पाइन ठीक हो जाएगा तो अभी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये बेड देख सकते हैं, ये मास्टर B3+ कुछ लिखा हुआ है, और ये इसको ऑपरेट करने वाला है। सर इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है इसमें? जैसे ये ऑपरेट करने का है, जैसे कि अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, ग्रीन वाला है, इसको हम बंद कर दिए, फिर इसको हम चालू करेंगे। इसके बाद यहाँ एक नंबर है सर जी, ये नंबर अलग अलग बीमारियों में अलग अलग नंबर है, इसमें 1 से लेकर 18 मॉडल। अच्छा। अब जैसे ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जैसे अभी 3 नंबर, ये 3 नंबर पॉइंट पक्षाघात का, पक्षाघात में लगवा, ये हिंदी में या इंग्लिश में, ये जैसे पैरालिसिस, इस तरह की एसिडिटी है वगैरह वगैरह, जितना बीमारी है इसका टोटल 18 पॉइंट है, ये 18 पॉइंट है, ठीक है, हर बीमारी का अलग अलग। तो जिस तरह का हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं हम उतना नंबर मतलब तो करते ही हैं। खाली हमको इतना अभी लाइटली हमको बता दीजिए, मतलब इस बेड में किस किस कौन कौन से बीमारी के पेशेंट को आप यहाँ कर सकते? जैसे लकवा ये पहला हो गया, दूसरा एसिडिटी, किडनी पेशेंट भी, किडनी पेशेंट भी बताऊँ, तो अनेकों तरह के हैं, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा है सर, मुख्य है हमारा एक्यूप्रेशर में जो मैं पर्सनल अपने से दबाव देता हूँ जी, वो है प्लस साथ में ये सहायक। तो चलिए हम लोग उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं। इनका मैं नाभि चक्र ठीक कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो नाभि है सर, ये नीचे की ओर घसकता है, ऊपर की ओर घसकता है, नीचे की ओर जब घसकता है तो पतला दस्त होता है, और ऊपर की ओर घसकता है तो कब्ज, अल्सर, अपेंडिक्स, पाइल सब होता है। ये हमेशा सेंटर में होना चाहिए, हमेशा सेंटर में केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। और ये मैं सभी सेवा करने के बाद मैं इस नाभि चक्र को केंद्र बिंदु पर ला के छोड़ता हूँ, तभी जाके आदमी स्वस्थ होता है। यही ज्ञान प्रायः सभी व्यक्तियों को होना चाहिए, इसलिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा का ज्ञान बहुत आवश्यक है, हर प्रत्येक लोगों के लिए आवश्यक है। सर अभी मैं देखिए इसको मैं दूंगा, ये नाभि को ऐसे पकड़ कैसे खींच लेगा? अच्छा, उसको सेंटर 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 में लाएगा। सर से देख लीजिए, सर ये टाइट होगा तो बोलिए, टाइट हुआ? अभी आपका पेट साफ होता होगा सर, एकदम क्लियर हो रहा है, सुनिए ये देखे सर, ये नाभि को केंद्र बिंदु में ला रहा है, नाभि को खींच ले रहा हूँ। अब आप सर आप इसको दबाव देकर उठाना भी चाहेंगे तो नहीं नहीं उठेगा, उठा के देख लीजिए सर, ये नहीं उठेगा, ये पूरा नाभि को सेंटर करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। और सर मतलब ये पूरी तरह पाचन क्रिया के लिए एकदम, जैसे एसिडिटी से लोग परेशान है, गैस से परेशान है, परेशान दवा खा के परेशान है, अरे भाई आप बिना दवा के ठीक होइए ना। और क्या सर इसका, और भी मैं एक सरल तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं इसको, बढ़िया से देखिएगा सर, दोनों पैर को उठाइए तो सर उठाइए, दो,
बार आप उठाइए, सर आप सर मेरे यहाँ कब तक आइएगा? ठीक है सर, अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये उंगली को आप यहाँ पर डालिए, आप सर अपने सिर करके देख लीजिए, यहाँ पर एक धड़कन हो रहा है, जैसे जैसे हार्ट में धड़कन होती है ना, वैसे धड़कन हो रहा था भाई, हो रहा ना, महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, मतलब हार्ट बीट महसूस हो रहा है। नहीं, ये हुआ कि आप सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है, और जिसका सेंटर में नहीं रहेगा तो ये बीट मतलब ये मतलब बीट महसूस नहीं होगा, नहीं ऊपर में धड़कन होगा, नीचे में धड़कन होगा, सेंटर में नहीं होगा। सबके लिए अब मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखकर लाभ उठाइए, आपको मेरे आने की जरूरत नहीं है, अगर आप दूर दराज में है, सुबह नाश्ता से पहले सुबह उठ के पानी पीजिए, लैट्रिन बाथरूम जाइए, लैट्रिन बाथरूम से आने के बाद नाश्ता से पहले ऐसे लंबा लेट जाइए, चाहे जमीन में लेटिए, पलंग में लेटिए, चौकी में लेटिए, सुनने जा पाऊंगे सर, दोनों पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री में उठाइए, तीन बार मात्र उठाना, देखिए सर, एक, ठीक है, जब यहाँ उठाए सर, यहाँ एक दबाव पड़ रहा है ना, नीचे कीजिए, एक बार आप उठाइए, दो, एक बार आप कीजिए, तीन, सर अगर ये प्रत्येक व्यक्ति सुबह नाश्ता से पहले तीन बार कर लेता है तो स्वतः ये नाभि अपने केंद्र बिंदु पर आ जाएगा, नाश्ता से पहले, नाश्ता से पहले, और रात्रि में फिर खाना खाने से पहले एक मिनट समय नहीं लगता सर, फिर तीन बार उठा लिया जाए, जब वो नाभि चक्र मेरा ठीक रहेगा तो रात में आराम से हम सोएंगे, पाचन क्रिया ठीक होगी, कितना अच्छा चीज है सर, ठीक है सर, अब देखिए धड़कन बड़ी अच्छा धड़कन होता है सर, ये सज्जन को जब मेरे बारे में पता चला तो ये मूल रूप से आदित्यपुर जंग में रहते हैं और वहाँ से आके, अब चूँकि यहाँ भी उनका एक रहने का स्थान है चावासा में, तो वहाँ रह के अभी हमसे 15 दिन से ज़्यादा सेवा ले रहे हैं, इनके हाथ में बहुत दर्द हुआ करता था, अभी मेरे यहाँ रहे हैं करीब कितना दिन हो गया सर, 15 दिन होने जा रहा है, 15 दिन में आपको काफ़ी आराम है सर, काफ़ी आराम है, तो सर इनका हाथ में जो दर्द था इसका मुख्य रूप से ये स्पाइन में प्रॉब्लम था, सबका जड़ स्पाइन ही होता है, सबका जड़ स्पाइन होता है, ये एक नंबर यहाँ से स्पाइन शुरू होता है और यहाँ 33 नंबर खत्म होता है, और यहीं से कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर दबा हुआ है, उठा हुआ है, तो यहीं से प्रॉब्लम क्लियर होता है और वो हम लोग को बुझाता है कि हाथ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, लेकिन जब हम यहाँ से ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, यही एक्यूप्रेशर खत्म होगा। अभी जैसे देखिए मैं इनका काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कम से कम रीड को मेरा देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, ये बहुत कोमल चीज़ है, अगर इसमें गलत तरीके से दबाव पड़ जाएगा तो इसे तकलीफ हो सकता है। और सभी बीमारी का मुख्य जड़ यह है स्पाइन, अगर स्पाइन ठीक हो जाएगा तो ये एक्यूप्रेशर का मैं दबाव दे रहा हूँ सर, और दबाव देके यहाँ जो बैलेंस आउट है उसको मैं सेट कर रहा हूँ, जब यहाँ सेट हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, वोट अपने आप ठीक हो जाएगा। ये हुआ सर, अब अपने ये हीट देकर, इंफ्रा रे देकर, ये इससे भी प्रयास करना उसको ठीक करना, ये उसको ज्यादा देर भी नहीं रखा जाता, नहीं इसका मुश्किल से हम इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक रख सकते हैं, जिसका जैसा प्रॉब्लम, जैसे देखिए भी हम छोड़ा हुआ, जैसे ही छोड़ेगा तो इसका हीट होगा, ये हीट निकलेगा इससे, और हीट निकल के इसके जो नस में ब्लॉकेज है वो हीट करके वास करता है। ये हुआ सर, अब हम ये और थेरेपी चेंज कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं वाइब्रेशन, सर मैं आप लोगों को भी एक सलाह दूंगा, कभी भी इस रेड में दबाव नहीं देने का, इस रेड में दबाव नहीं देने का, कभी कभी आजकल देखा जाता है कि घर के बच्चों को भी दादी नानी लोग खुद तेल मालिश करती है दूर दूर से, तो मैं उन लोग से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मालिश जो है रेड में नहीं करें, ये रीढ़ में दबाव देके मालिश नहीं करें, मालिश यहाँ करना चाहिए, यहाँ ये उठा हुआ जो भाग है यहाँ मालिश करना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ इस रीढ़ में दबाव नहीं देने का,
दिल में दबा देने से उनको नुकसान हो सकता है। सर ये अभी कैसा लग रहा है, पहले से ठीक लग रहा है जी? अभी मतलब पहले से अभी काम कर रहा है अभी आपका पैर? हाँ, इम्प्रूव है। क्या हो गया? इम्प्रूवमेंट हो गया ना, और ज्यादा होगा, मतलब आपको रोज आना होगा यहाँ, है ना? उम्मीद तो यही है। हाँ, उम्मीद तो यही है, नहीं उम्मीद रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग करना होगा, है ना, तभी होगा। ये पैरालाइज के पेशेंट है जिनसे अभी हमने बात की है, तो इन्होंने खुद बताया अभी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है इनका। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 साइड का जो पैर है वो ठीक से वर्क पे नहीं था, पूरा एकदम सेंसलेस था। तो यहाँ अभी अप्रोक्स 1 मंथ हो गया है, अब यहाँ आ रहे हैं तो अभी इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी दिख रहा है। दवा वो कुछ खा रहे हैं क्या? नहीं, खाली बस इसी थेरेपी से हो जा रहा है ना। और रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है। पासवान जी से हम पूछना चाहेंगे, इसका एक्यूरेट एड्रेस आप बता देते, जो भी देख रहे हैं आने का इच्छा रखेंगे तो फिर एड्रेस इसका। ये फूल हाथू बड़ी बाजार कब्रस्तान रोड, फूल हाथू बड़ी बाजार कब्रस्तान रोड, फूल हाथू बड़ी बाजार कब्रस्तान रोड, है ना। ये मेरा मूल चैमासा, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, मैं यहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया हूँ, बचपन से मैं यहीं हूँ और यहीं रहकर मैं ये सेवा दे रहा हूँ। दूर दराज से लोग मेरे यहाँ आते हैं, जबकि मैं इतना किनारे हूँ, फिर भी दूर दराज से लोग पहुँचते हुए मेरे पास आते हैं और हमसे सेवा लेते हैं, और हमसे सेवा लेकर जो खुश होते हैं जिससे मुझे आप तो सारा जानकारी इक्वल प्रेशर थेरेपी के बारे में हम लोगों ने ले लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो और लोग आए और पासवान जी से लोग जुड़े और इस इलाज का फ़ायदा उठाएं। अपना एक समय सारणी बता दूँ आपको, इनका समय सारणी बता दीजिए सर। मैं सुबह 8 से 11 उपलब्ध हूँ, और सुबह 8 से 11 मॉर्निंग जी मॉर्निंग में, और शाम को 4 से 6, और शाम को 4 से 6। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग हमसे चाहें निःशुल्क परामर्श लेना, तो आप निःशुल्क परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।